बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने एक्शन क्वेरीज की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। इसमें हमने अपडेट, मेक टेबल, डिलीट और अपेंड की क्वेरीज को इम्प्लीमेंट करना सिखाया था। आज के लेक्चर में हम पैरामेट्रिक क्वेरीज को एमएस एक्सेस में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। और दोस्तों, पैरामेट्रिक क्वेरीज इस तरह की क्वेरीज होती है जिनके अंदर हम दरअसल पैरामीटर्स को पास करवाते हैं। तो आइए आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने एक टेबल मौजूद है टेम्प एम्प्लॉय के नाम से, और अब हम ये चाहते हैं कि इस टेबल में मौजूद एम्प्लॉय 2 का जो रिकॉर्ड है सिर्फ वो रिट्रीव होकर आए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप उस एम्प्लॉय 2 को एज ए पैरामीटर पास करवाएंगे क्यूरी के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले हम इस क्रिएट के बाद पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस क्यूरीज के ग्रुप के अंदर क्यूरी डिजाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्यूरी डिजाइन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो ओपन होगी शो टेबल के नाम से। अब दोस्तों, आप जिस भी टेबल के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, रिट्रीव करवाना चाहते हैं, आप सबसे पहले उस टेबल को ऐड करवाएंगे। ऐड करवाने के बाद आप इस विंडो को क्लोज कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, आप इस टेम्प एम्प्लॉय में जिस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसकी कौन कौन सी फील्ड्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मैं उसकी एम्प्लॉय आईडी भी देखना चाहती हूँ, फर्स्ट नेम भी देखना चाहती हूँ, लास्ट नेम भी देखना चाहती हूँ और जॉब टाइटल भी देखना चाहती हूँ। तो मैंने इन तमाम फील्ड्स को डबल क्लिक किया, जिसकी वजह से ये अब यहाँ पर शो हो सकती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शो के चेक बॉक्स पर जो है वो टिक मार्क हुआ है। अब दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आप इस क्राइटेरिया के ऑप्शन के आगे पैरामीटर पास करेंगे। और याद रखिए, पैरामेट्रिक क्यूरीज के अंदर हम दरअसल पैरामीटर को स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं। आप ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे टाइप दव आईडी। अब जैसे ही दोस्तों ये लिखेंगे, इसके बाद आप इस क्यूरी को रन करेंगे। जैसे ही आप रन करेंगे तो आपके सामने दरअसल ओपन होगी एक पैरामीटर विंडो। यानी दोस्तों, याद रखिए, ये जो पैरामेट्रिक क्यूरीज हैं, जब हम इनको रन करते हैं तो ये हमसे पैरामीटर मांगती हैं। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर उस एम्प्लॉय की आईडी देंगे जिसके रिकॉर्ड को आप रिट्रीव करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एम्प्लॉय नंबर 2 की के रिकॉर्ड को रिट्रीव करवाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर आईडी दे दी है 2। के बाद आप ओके कर देंगे। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय 2 का रिकॉर्ड रिट्रीव हो चुका है। यानी दोस्तों, इससे हमें ये पता लगा कि पैरामेट्रिक क्यूरीज इस तरह की क्यूरीज होती हैं जिनमें दरअसल हमें पैरामीटर को पास करवाना होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी पैरामेट्रिक क्यूरीज का इख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम आपको क्यूरीज के थ्रू कैलकुलेशंस को परफॉर्म करवाना सिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।